से टाइम कितना रहता है सच में देखता मुझे टाइम आ जाता है। गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम भौतिक शास्त्र के इस पीरियड में लंबी धारावाही परिनालिका इसके बारे में अध्ययन करेंगे और इसके भीतर किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस चुंबकीय किस प्रकार से बनती है और कार्य जो है ये किस प्रकार से करती है, इसके बाद हम इसके डेरिवेशन के पार्ट पर जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि आप एक चित्र है और यहाँ पर इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये धारावाही परिनालिका के बारे में चित्र प्रदर्शित किया गया है और इसको बनाने के लिए यहाँ पर एक ये जो है ये एक खोखला बेलन टाइप का लिया जाता है, इंसुलेटर्स का, कुचालक का, जैसे एस्बेस्टस की शीट है या और कुछ, और उसके ऊपर यहाँ पर ये कॉपर की जो वायर्स हैं इसको लपेट दिया जाता है और इस प्रकार से कुंडली के समान बनाई गई है। ये जो कुंडली है ये सेटअप पूरा जो है यही परिनालिका कहलाता है। तो बच्चों इसको अध्ययन करने के पहले मैं चाहूंगी कि आप एक छोटा सा इसका वीडियो देखें कि किस प्रकार से ये बनाई जाती है। तो ये सोलेनोइड्स के बारे में आप पहले इस वीडियो को देखें। Let us study what is a solenoid. An insulated copper coil is wound around some cylindrical cardboard or plastic tube such that the length of the coil is greater than its diameter. Then it behaves like a magnet when an electric current flows through it. It is called a solenoid. Look at the figure of a solenoid. When an electric current, then each turn of the coil behaves like a magnet. In figure A, current is flowing into the coil in clockwise direction. So, the left hand side of each turn of the coil acts as south pole, whereas right hand side of each turn of the coil acts as north pole. In figure B, current is flowing into the coil in anti-clockwise direction. So, the left hand side of each turn of the coil acts as north pole, whereas right hand side of each turn of the coil acts as south pole. Thus, the situation becomes similar to a number of small bar magnets placed end to end with their opposite poles facing each other such that they collectively act as a bar magnet. Thus, a solenoid behaves like a bar magnet. So it is clear that if the number of turns in a solenoid increases, then the magnetic effect also increases. The magnetic field around the solenoid around a bar magnet. बच्चों जैसे कि आपने अभी यहाँ पर इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से हम धारावाही परिनालिका जिसको अंग्रेजी में सोलेनोइड्स कहते हैं उसको बनाया जाता है। इसको बनाने का मेथड बिल्कुल सिंपल है और अब जो आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया तो इसमें कोई भी कुचालक पदार्थ जैसे कि एस्बेस्टस है या फिर चीनी मिट्टी है या कार्डबोर्ड है इसका एक गोला बना करके
और एक खोखले बेलन की तरह इसको बना लिया जाता है। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक बेलनाकार शेप में है और इस बेलनाकार शेप के ऊपर जो तांबे की जो वायर्स हैं उसको लपेटा जाता है, जिस तरीके से आप यहाँ पर इसको देख रहे हैं, और लपेटने के कारण से ये कुंडली के समान बन जाती है। तो ये जो कुंडली यहाँ पर बनती है इसी को हम कहते हैं धारावाही परिनालिका, या इसको सोलेनाइड्स कहा जाता है। अब इसको काम करने के लिए जब तक आप इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन जब हम इस परिनालिका में इस सेटअप के अनुसार आप यहाँ पर देखें, इसको अगर हम यहाँ पर इसको यहाँ पर पावर दिया जा रहा है, धारा प्रवाहित की जा रही है, तो जब यहाँ पर धारा प्रवाहित की जाती है तो इस कुंडली के अंदर भी और इसके बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं भी होती हैं, ये आप पढ़ चुके होंगे। तो चुंबकीय बल रेखाएं इस परिनालिका के भीतर और उसके बाहर दोनों ओर उत्पन्न हो जाती है, और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस सोलेनाइड के भीतर जितनी भी आपको ये ब्लू कलर से रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, और ये बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर दिखाई दे रही हैं। ये बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर दिखना इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि यहाँ पर जो परिनालिका है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो एक समान है। तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो एक समान होता है, और जब आप इसके बाहर ध्यान दें, ये देखिए जो आप बाहर देखते हैं, आप लोगों ने दंड चुंबक पढ़ा हुआ है, और दंड चुंबक के द्वारा हम प्रयोगशाला में चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में। तो इसी तरीके से आप जब यहाँ पर देखेंगे तो बाहर जो हमको बल रेखाएं दिखाई दे रही है ये ठीक उसी प्रकार से दिखाई दे रही है जैसे कि दंड चुंबक में दिखाई देती है। तो बाहर के और अगर हम देखें तो ये जो परिनालिका है वो एक दंड चुंबक की भांति काम करती है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि चुंबकीय परिनालिका या धारावाही परिनालिका डैश के समान व्यवहार करती है। तो आप ये बात यहाँ पर ध्यान रखें कि जो ये परिनालिका है वो एक दंड चुंबक की भांति काम करती है, क्योंकि यहाँ पर धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं ठीक उसी प्रकार उत्पन्न होती हैं जैसे कि दंड चुंबक में उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि ये दंड चुंबक के गुण है वो गुण भी यहाँ पर फॉलो होते हैं, और दंड चुंबक के जो गुण होते हैं वो सबसे पहले तो एक नॉर्मल गुण ये होता है कि जब हम किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो लटकाने पर ये उत्तर दक्षिण दिशा की ओर उठती है, ठीक इसी प्रकार से ये जो है ये भी ठीक उत्तर दक्षिण दिशा पर ही रुकता है, और इसी के समान जो धारावाही परिनालिका होती है इसमें भी जो लौह पदार्थ है उनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। धारावाही परिनालिका और चुंबक इन दोनों में अंतर भी पूछा जाता है, और इन दोनों में अंतर यही होता है कि जो चुंबक होता है चुंबक के जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो निश्चित होती है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं, जबकि धारावाही परिनालिका जो है इसमें यहाँ पर जो तीव्रता होगी उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, और ये परिवर्तन हम इस प्रकार से कर सकते देख रहे हैं, हमने यहाँ तांबे के तारों को लपेटा हुआ है, तो इन सर्कल्स को इन तारों की संख्या लपेटों की संख्या को अगर हम और ज्यादा बढ़ा दें तो हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बना पाएंगे, और इस प्रकार से जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है, जैसा कि आपने अभी जो वीडियो आपने देखा था उसमें आपने देखा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको बढ़ाने के लिए अगर फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो जो फील्ड है उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। और एक और बात यहाँ पर यह है कि जो पोल्स हैं यहाँ पे इनकी ध्रुवता कि ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है या उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव है,
ये डिसाइड करने के लिए हम आगे इसमें पढ़ेंगे किस प्रकार से हम इसको डिसाइड करते हैं। लेकिन जब हम दंड चुंबक से इसकी तुलना करेंगे तो दंड चुंबक में जो पोलैरिटी होती है, जो ध्रुवता होती है दोनों पोल्स के ऊपर, वो निश्चित होती है। आपने देखा होगा प्रयोगशाला में जो दंड चुंबक होता है उसके ऊपर निशान बने होते हैं नॉर्थ साउथ के, और वो निश्चित होते हैं कि ये पोल्स जो है वो उत्तर का ही होगा और दूसरा है वो दक्षिणी साइड ही होगा, तो हम बदल नहीं सकते हैं। जबकि यहाँ पर जो आप लंबी धारावाही परिणाली का देख रहे हैं, यहाँ पर इसके दोनों ध्रुवों के दुमान है वो बदल सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, ये दंड चुंबक मैम, ये दंड चुंबक क्या होता है? दंड चुंबक नॉर्मल मैग्नेट होता है। ये आपने अगर अपनी प्रयोगशाला में आप गए होंगे, एक साधारण मैग्नेट होता है, मैग्नेट आपने देखा है। यस मैम। दंड चुंबक इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि ये सीधा एक डंडी के समान होता है। एक रेड कलर का एक मैग्नेट होता है जो लोहे के समान दिखाई देता है, लेकिन वो मैग्नेट है और वहां पर उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। दंड चुंबक इसको इसीलिए कहा है, ये एक साधारण चुंबक, आपने चुंबक तो देखा होगा। हेलो। यस मैम। हाँ, एक नॉर्मल चुंबक जो होता है उसी को हम दंड चुंबक कहे हैं यहाँ पे, और ये सीधा है इसलिए हम दंड चुंबक कहते हैं। और भी प्रकार के चुंबक होते हैं, जैसे नाल चुंबक होते हैं, यू के शेप में होते हैं, तो बिल्कुल सिंपल चुंबक के बारे में। ठीक है, समझ में आए मैम? ये किसी पदार्थ में चुंबकीय गुण कैसे उत्पन्न होता है? क्या चीज? हेलो। हाँ, पदार्थ में चुंबकीय गुण कैसे उत्पन्न होता है? देखिए, हर पदार्थ में चुंबकीय गुण उत्पन्न नहीं होता है, चुंबकीय गुण सिर्फ चुंबकीय पदार्थों में ही उत्पन्न होता है। और चुंबक बनाने के प्रोसेस होते हैं, 10th क्लास में आपने इनको पढ़ा होगा कि किस प्रकार से हम चुंबकीय पदार्थों को चुंबक बनाते हैं। मैग्नेट के द्वारा भी बनाया जाता है, जब हम सिंपल लोहे पदार्थ के ऊपर दो मैग्नेट्स को इस प्रकार से घुमाते हैं। ये सब आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज जो हम ये टॉपिक लेकर के आपके सामने हैं, तो यहाँ आपको हायर लेवल पे थोड़ा पढ़ना है बेटा। ठीक है, 12th क्लास का जो चैप्टर है, आपको मैग्नेट के बारे में सारी जानकारियां 10th क्लास तक आप पढ़ चुके हैं। नॉर्मली मैं आपको बता दे रही हूँ कि दंड चुंबक बनाने को विद्युतीय तरीके से भी बनाते हैं। अब तो आप सोलेनाइड्स के बारे में यहाँ पर सुने। देखिए, जब यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पर उत्पन्न हो जाती हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमको ये निकालना है कि इस धारावाही परिणालिका के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी तीव्रता के लिए हमको व्यंजक ज्ञात करना है। और ये व्यंजक निकालने के पहले, इस टॉपिक के भी पहले दो टॉपिक्स आपके और होते हैं जो आपकी किताब में है, कि धारावाही कुंडली के अक्ष पर और उसके केंद्र के ऊपर किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है। तो यहाँ जब हम डेरिवेशन करेंगे उसके आगे का भाग आपको लेना है। यहाँ से आपको पूरी बातें जो है, पिछला डेरिवेशन आप नहीं करना है, सोलेनाइड्स में डायरेक्ट डेरिवेशन पे आपको आना है। ठीक है, तो धारावाही परिणालिका है वो क्या होती है ये आप समझ गए। हेलो। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, अभी हम तुलना कर रहे थे कि धारावाही परिणालिका और दंड चुंबक, ये दोनों एक दूसरे के साथ में किस प्रकार से हम इसकी तुलना करते हैं। तो तुलना में हमने देखा कि जो परिणालिका है वो एक चुंबक की तरह ही व्यवहार कर रही है। अंतर ये है कि चुंबक का चुंबकत्व निश्चित होता है, उसके दोनों सिरों के ऊपर जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है वो निश्चित होते हैं, उनको हम बदल नहीं सकते। लेकिन जो ये धारावाही परिणालिका है इसको हमने बनाया है, और इसको यहाँ पर हम इसकी तीव्रता भी बदल सकते हैं जब हम यहाँ पर इन बायस के जो कुंडली है उसके मान को हम बदल सकते हैं।
नॉर्थ साउथ पोल हो सकता है, नॉर्थ और साउथ पोल बनते हैं दिशा के ऊपर निर्धारित होते हैं कि आपने धारा किस दिशा में प्रवाहित की है, तो ये किस प्रकार से आप निर्धारित करेंगे वो इसके बाद हम देखेंगे। अब बच्चों इसको देखने के लिए ये देखिए जो हमको मेन डेरिवेशन करना है, आप इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखें। ये एक लंबा डेरिवेशन है, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है और कठिन है, तो आप इसको ध्यान से सुने, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको इसको समझाने के लिए। एक अगर हम एक समांतर काट मान लें परिनालिका का, तो हमको सामने से ये इस प्रकार से दिखाई देगी, और इस परिनालिका का जो एक खोखला बेलन है पूरा, उसको आपने कट कर दिया है, तो ये इस प्रकार से आपको दिख रहा है। और ये जो है, ये जो लाइन डॉटेड लाइन जा रही है, ये इसका अक्ष कहलाता है। तो आज जो हमको निकालना है वो यही है, लंबी धारावाहिक परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको कैलकुलेट करनी है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर ये चीजें आप, ये अक्ष है और इस अक्ष के ऊपर P एक बिंदु हमने लिया हुआ है, और इस बिंदु P के ऊपर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। इस बिंदु P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र को निकालने के लिए ये जो है ऊपर का आउटर मोस्ट है, जो आउटर मोस्ट सरफेस है आपका परिनालिका का, वो ये है। अब ये परिनालिकाएं बहुत लंबी भी होती हैं, अनंत भी होती है लंबाई, काफी इसमें बड़ी भी हो सकती है। तो जब हम किसी एक पॉइंट के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र को निकालना चाहते हैं तो हम पूरे को एक साथ लेकर के नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये करेंगे कि इस परिनालिका का एक छोटा सा भाग ले लेंगे और उस भाग के ऊपर हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को निकालेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ए बी, ये एक छोटा सा भाग है जो कि एक इस परिनालिका का है, इसको हम अल्पांश कहते हैं। अल्पांश का मतलब है अल्प अंश, एक छोटा सा भाग इस परिनालिका का, एक छोटा सा भाग हमने यहाँ पर ले लिया है ए बी, और इसकी लंबाई जो है यहाँ पे डी एक्स है, ठीक है। ये भाग लेने के बाद में आप देखिए यहाँ पे ए को हमने पी से मिलाया हुआ है, और ये जो दूरी है ए बी इसको हमने बाय माना है। इसी तरीके से बिंदु बी जो है इसको भी हमने पी से मिलाया है, और यहाँ पर आप देखें जब हम इस पूरी परिनालिका की बात, का व्यास होता है यहाँ से यहाँ तक, तो अक्ष से लेकर ये दूरी क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या। जब आप सामने से कट करेंगे तो ये वृत्त की भांति दिखाई देगी, और वृत्त की त्रिज्या होती है आर, और ये आर हमने यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये आर है, और यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत छोटा सा अल्पांश होता है ए बी, आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ये बड़ा बना हुआ है, लेकिन ये बहुत छोटा होता है। तो ये ओ पॉइंट जो है इस बिंदु पी पर, जहां पर कि हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, बिंदु पी से ओ की जो दूरी है, इस दूरी को हमने मान लिया है एक्स। ये चित्र आप पहले बहुत ध्यान से समझ लें तभी आप, तो यहाँ पर OP जो है वो X है। इसी तरीके से यहाँ AC जो है वो एक लंब है, परपेंडिकुलर है, जिसको कि हमने भुजा PB के ऊपर बिंदु A से डाला हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें ACB ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसी प्रकार से AOP ये भी एक समकोण त्रिभुज है, और आखिरी में आप यहाँ पर देखें ये परिनालिका के दो एंड्स जो हैं वो x और y हैं। तो x और y को भी जब हम यहाँ पर मिलाएंगे बिंदु P से, हेलो मैम, हेलो, हाँ बोलिए, हाँ मैम, नीमत बोलिए, आप क्लियर नहीं, मैम क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, हाँ, अच्छा, आपके पास में अगर आपकी बुक होगी तो आप ये पेज खोल करके रख लीजिए अपने सामने, ठीक है, हाँ। तो देखिए आप यहाँ पे कि ये जो x है और y है इस परिनालिका के दोनों एंड्स हैं, और दोनों एंड्स को भी जब हम यहाँ पर मिला देते हैं, देखिए x को हमने मिलाया इस डॉटेड लाइन से बिंदु P पर, और यहाँ हमने y को भी मिलाया है डॉटेड लाइन से P पर, और ये जो दोनों हैं ये
बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये कोण आपको दिख रहा है, ये वाला ये कोण है अल्फा वन। इसी तरीके से जो ये वाली लाइन बनाएगी, ये कोण पूरा यहाँ से यहाँ तक बनेगा, ये है अल्फा टू कोण, ठीक है। और यहाँ पर जब हमने ए बी और ए पी और बी पी लिया है, तो बी पी जो है वो अक्ष के साथ में ये अल्फा कोण बना रहा है यहाँ पे, और इसी के समान जब हम ये कोण लेंगे तो ये भी अल्फा होगा। ये इसलिए होगा कि यहाँ पर आप देखिए ये लाइन और ये दो समांतर लाइन है, ये इसको काट रही है, तो ये दोनों जो कोण हो जाएंगे अल्फा और यहाँ पर ये, तो ये दोनों ही कोण एकांतर कोण है, या आपने गणित में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ए और बी, तो इस ए बी के द्वारा बिंदु पी के ऊपर जो कोण बन रहा है, ये भी एक छोटा सा कोण है, और इसको हम ये डी अल्फा यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब हम जाएंगे इसके डेरिवेशन के ऊपर, और ये चित्र के बाद में आप ध्यान से देखें इसको। अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये मानते हैं कि जो पूरी परिनालिका है और वो बहुत लंबी है, इस परिनालिका का जो लंबाई है वो हम एल मानेंगे, स्मॉल एल, और इसकी त्रिज्या जो है आर। तो इसकी त्रिज्या की तुलना में परिनालिका की जो लंबाई होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि L जो है ये बड़ा होगा R से, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि परिनालिका की लंबाई L है जो कि उसकी त्रिज्या की तुलना में बहुत बड़ी है। तो L जो है ये बड़ा होगा R से। अब यहाँ पर हम मानेंगे कि जो परिनालिका है उसमें पैरों की संख्या, पैरों की संख्या मतलब जो कॉपर वायर हमने बनाई है उसमें, तो कुल पैरों की संख्या, देखिए जो कुल पैरों की संख्या होगी हम मान लेते हैं कैपिटल N है। जो धारा हम यहाँ पे प्रवाहित कर रहे हैं, तो धारा जो है प्रवाहित वो I एम्पियर यहाँ पे है, और ये जो पैरों की संख्या की बात कर रहे हैं हम पूरे में बात कर रहे हैं, पूरे जो हमने सोलेनोइड बनाया है उसमें कुल है, और हमें जो संख्या निकालनी होती है वो है प्रति एकांक लंबाई। तो प्रति एकांक लंबाई में परिनालिका में पैरों की संख्या, और इसी मान को फिर हम जो हमारा सूत्र होगा उसमें हमको रखना होगा प्रति एकांक लंबाई में, क्योंकि लंबाइयां हम अलग अलग ले सकते हैं, तो हम इसको एकांक लंबाई पे ले लेंगे। तो पैरों की जो संख्या होगी ये होगी आपकी स्मॉल एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये मान जो होगा कैपिटल N अपॉन L, टोटल जो है वो N संख्या है कॉइल की, और उसमें L इसका टोटल लेंथ है, उससे आप भाग दे देंगे, तो प्रति एकांक लंबाई में आपको फेरों की जो संख्या है वो मिल जाएगी। अब इसके बाद में बच्चों, अब जो हमको आगे इसमें बढ़ रहे हैं, आपने यहाँ पे मान लिया है जैसा कि मैंने आपको इसके डायग्राम में बताया था कि एक अल्पांश हमने dx लिया हुआ है, और इसके पहले जो आपका कोर्स है वो है आपका धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर आपको निकालना है, और उसी फॉर्मूले से आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है, तो वहीं से हम ये फॉर्मूला लेते हैं। तो मान लेंगे यहाँ पर जो कुंडली आप यहाँ पे ले रही हैं, जो अल्पांश हमने लिया हुआ है, आप एक बार फिर से इस चित्र को, यहाँ पर जो डी एक्स है इस अल्पांश पर जो फेरों की संख्या है, क्योंकि अभी जो हम निकाल रहे हैं उससे और उसको आगे जाकर के हम पूरा समाकलित कर देंगे, समाकलन के द्वारा हमको क्या मिल जाएगा, जब हम पूरी रेंज पर उसको समाकलित करेंगे तो हमारे पास में पूरी परिनालिका का क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास में होगी। तो इस छोटे से भाग में जो कुंडली में पैरों की संख्या होगी वो संख्या होगी एन टी एक्स, और इस प्रकार से
जब हम यहाँ पर परिनालिका के इस अल्पांश ए बी के कारण, अब आप यहाँ पर देखेंगे ए बी के कारण, परिनालिका के अल्पांश ए बी के कारण, और इस ए बी के कारण हमको बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं इसको, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और यहां पर इस तीव्रता को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी बी से। वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है कैपिटल बी, लेकिन हमने एक छोटा भाग लिया है तो हम इसको डी बी से रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ध्यान से आप इस चीज को देखें बच्चों यहाँ पर, क्योंकि ये डेरिवेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और कठिन भाग है, इसलिए यहाँ से हमने इस भाग को लिया हुआ है, तो आप इसको गौर से थोड़ा देखेंगे। तो ए बी के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डी बी, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई, और n होता है सूत्र में, केवल स्मॉल n होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमने स्मॉल पार्ट लिया हुआ है ds, तो वहां पर जो फेरों की संख्या हो जाएगी वो होगी n dx। I धारा प्रवाहित की गई है, r जो है वो त्रिज्या है, तो ये हो गया r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और इसकी घात 3/2। इस फॉर्मूले से आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है वृत्ताकार कुंडली के आगे से। तो बच्चों एक बार फिर से आप इस फॉर्मूले को देखें, db इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2 पाई n dx, यहाँ पर जो लिखा है उस छोटे भाग में फेरों की संख्या है, I जो है यहाँ पर धारा है, r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और इस पूरे की घात 3/2। यहाँ से हमको इसको सॉल्व करना जो है वो स्टार्ट करना है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना हो। हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो परिनालिका है, फिर से आप, मैं बार बार इस चित्र को दिखाऊंगी, आप इसको ध्यान से देखिए। को जो P से मिलाने वाली, P पॉइंट से मिलाने वाली रेखा है, वो रेखाएं हैं AP और BP। और ये AP और BP, देखिए यहाँ ध्यान से, ये जो AP है इसका इस पूरे अक्ष के साथ में जो कोण है वो है अल्फा। ये देखिए, ये है अल्फा, आपको दिख रहा है ये अल्फा, ठीक है। इसी तरीके से जब AP आपने देखा तो यहाँ पर ये अल्फा और ये छोटा कोण है डी अल्फा, तो AP का इस अक्ष के साथ में कोण बनेगा अल्फा प्लस डी अल्फा, समझ में आया। तो AP जो है उसके कारण अक्ष पर बना हुआ बिंदु P पर कोण कौन सा होगा, अल्फा प्लस डी अल्फा, और BP के कारण जो अक्ष के साथ में कोण बनेगा वो कोण होगा आपका अल्फा, ठीक है। और यहाँ पर बिंदु A से इस BP के ऊपर डाला गया जो लंब है वो लंब है यहाँ पर AC। परिनालिका की जो त्रिज्या है ये O और A, ये O और A, जैसे यहाँ R है सेम है ये, और ये OA बराबर है R, जो कि यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है R, ठीक है। और परिनालिका जो है बिंदु P से इस अल्पांश की जो दूरी है वो है x, ए भी बराबर है dx। ये सारे टर्म्स अब जब हमने यहाँ पर देख लिए हैं, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो कोण है, देखिए अभी मैंने इसको पहले भी आपको बताया था, ये एकांतर कोण बन रहे हैं A B P, और इसी प्रकार से जो दूसरा कोण है B P O, दो समांतर रेखाएं हैं, ये जो है इसकी तिर्यक लाइन इसको काट रही है, तो दोनों तरफ के कोण कौन से बनेंगे, ये कोण और यहाँ पर बनेगा आपका ये कोण, और दोनों कौन से कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण होंगे, और ये जो दोनों कोण हैं ये बराबर होते हैं। तो अब हम यहाँ पर आगे जाएंगे इसके लिखने के लिए, इसके बाद में जो आपका आएगा, देखिए कोण जो हमने लिखा था ए बी पी, ये वाला कोण बराबर होगा कोण बी
PO, जैसा मैंने आपको समझाया एकांतर कोण, इसका मान होता है अल्फा, और इन कोणों को हम इक्विवेलेंट बराबर मानेंगे। ठीक है, तो ये दोनों कोण जो हैं लगभग बराबर हैं। अब हमने जो यहाँ पर सूत्र लिया हुआ था, इस फिर से आप इस फिगर में देखें, AP का मान हमने क्या लिया हुआ है, y। ठीक है, तो AP बराबर y हो जाएगा, और AC जो मान होगा, इस AC का जो मान होगा ये होगा y t अल्फा। इन दोनों मान को हम यहाँ पर लिखेंगे, AC बराबर है हमारे पास में y और AP बराबर हमारा y है, और AC जो है ये बराबर है y d अल्फा। d अल्फा जैसे dB है, तो dB के साथ में छोटा सा जो कोण होगा वो d अल्फा कहलाएगा यहाँ पर ये। अब जैसा मैंने आपको बताया था, फिर से आप इस डायग्राम को देखें, ये छोटा सा समकोण त्रिभुज बन रहा है, और ये छोटा सा समकोण त्रिभुज है ACB, और इस समकोण त्रिभुज में अगर आप साइन थीटा के लिए वैल्यू निकालें, थीटा की जगह यहाँ अल्फा है, साइन थीटा आप जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, तो इस साइन अल्फा बराबर हो जाएगा AC अपॉन AB। ठीक है, तो हम इस मान को यहाँ पर रखेंगे, और इसी प्रकार से जब हम दूसरा समकोण त्रिभुज देखेंगे वो है AO और ये P। बहुत ध्यान से आप इसको देखें बच्चों, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, आपको इसको बहुत ध्यान से समझना होगा। देखिए यहाँ पे AOP, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पर जो कोण आपका बन रहा है वो कोण है इसके कारण अल्फा प्लस डी अल्फा। तो साइन अल्फा प्लस डी अल्फा ये बराबर होगा डी अल्फा, क्योंकि हम बहुत छोटा मान रहे हैं इसको, हम साइन अल्फा के इक्विवेलेंट मानेंगे। और जब आप इसमें देखेंगे तो लंबाई है यहाँ पे OAR, और ये होगी AP, तो R अपॉन Y यहाँ पर आपको मिलेगा। और किसी समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीन जो हमने अभी आपको समीकरण बताए, इन समीकरणों को आप लाइन से एक के नीचे एक यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, इस डेरिवेशन, ये लंबा भी है ये डेरिवेशन और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप ध्यान से अगर इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो ये आप वो है R, और जो कर्ण है वो है Y, तो sin अल्फा इज इक्वल टू R अपॉन Y आ गया। और जो मैंने आपको इसके आगे बताया था पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, तो कर्ण यहाँ पर जो है वो है Y स्क्वायर है बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। इतना चीजें निकालना जरूरी है जब आपने ये पॉइंट्स को नोट कर लिए, यही मेन इसके निकालने के पॉइंट्स हैं। अब आपको इसके आगे कुछ नहीं करना, अब बहुत आसान है, अब केवल आपको सॉल्व कर देना है इन मानों को जो आपने समीकरण पहले लिखा हुआ है, जो फर्स्ट समीकरण आपने दिया हुआ था
ये बात ठीक है। इस समीकरण में अब आपने ये सारे जो मान यहाँ पर निकाले हुए हैं इनको रख दीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए, तो आपको परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो व्यंजक है वो व्यंजक यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। इसको रखने की कोशिश कीजिए। देखिए जो समीकरण था हमारा म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इंटू टू एन और उसके बाद था डीएक्स, ठीक है। अब डीएक्स बराबर जो है हमने यहां पर निकाला हुआ है वाई डी अल्फा अपॉन साइन अल्फा और इस मान को हम यहाँ पर रख देंगे। बहुत क्लियरली मैं इसको बता रही हूँ, आप इसको रखिए y d अल्फा अपॉन साइन अल्फा। ये आपने अभी देखा कि ये किस प्रकार से आया है, इसके बाद में i r स्क्वायर जैसा था वैसे ही इसको रहने दीजिए और नीचे फिर आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका सूत्र था r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, हमने यहाँ पर निकाला है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर आप रखेंगे वाई स्क्वायर और इसकी घात होगी 3/2। बस यहां तक लाना बच्चों मेन पॉइंट है इसका। जब आपने ये वाला समीकरण में सही मान भर दिए तो अब आपका जो सवाल है आगे गलत नहीं होगा। अब हम इसको सिंपल जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। आप सिंपल इसको जो है सरल करिए तो ये आपका आ जाएगा म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इंटू टू पाई एन। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा कट रहा है उसको हम काट देंगे और बाकी की चीजों को जो है वो रखेंगे। ये साइन अल्फा नीचे कटेंगे तो y क्यूब और ऊपर यहाँ एक y है तो y क्यूब से एक कटने के बाद में आपके पास में y स्क्वायर वो भी आपका नीचे जो है वो बचेगा। तो जो जो चीजें अब हमारे पास में रह जाती हैं वो इस प्रकार से हैं, 2 पाई एन हो गया, वाई आपका कट गया है, अब बचा आपके पास में आई डी अल्फा, तो ये हो गया आई और ये हो गया डी अल्फा अपॉन, नीचे जो है ये साइन अल्फा अपॉन में है ये इसके नीचे आएगा तो ये है यहाँ पे साइन अल्फा, ठीक है। और यहाँ पर जब आपके पास में बचा है ये है आपका आर स्क्वायर और यहाँ वाई क्यूब का एक y कट चुका है तो नीचे आपका बचेगा y स्क्वायर, ठीक है। ये हमने काट करके इसको सॉल्व किया हुआ है। अब यहाँ पर एक और चीज हमने निकाली थी पहले, अभी जो मैंने आपको समझाया, देखिए समकोण त्रिभुज AOP जो हमने देखा था उसमें आप देखें ये देखिए यहाँ पे साइन अल्फा इक्वल टू r अपॉन y, तो ये जो साइन अल्फा का मान है इस मान को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस जगह, तो y sin alpha is equal to क्या है r upon y, यहाँ हमारे पास में है r square upon y square, तो r square upon y square है तो ये हो जाएगा आपका sin square alpha, ठीक है। समझ में आया ये r upon y जो है वो sin alpha है तो r square upon y square क्या हो जाएगा sin square alpha, तो इस जगह पर हम sin square alpha रखेंगे। अब हमारे पास में आ जाएगा म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इंटू टू पाई एन आई, ये हो गया डी अल्फा अपॉन साइन अल्फा और मल्टीप्लाइड बाय ये वाला जो होगा ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब इस साइन अल्फा से ये एक साइन अल्फा कट जाएगा तो नीचे का साइन अल्फा हट जाएगा, ऊपर आपके पास में एक साइन अल्फा यहाँ पे बच जाएगा। तो अब यहाँ देखिए आप ये हो जाएगा म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इंटू टू पाई एन आई और ये हो बचेगा आपका एक साइन अल्फा कट गया है साइन अल्फा, ये हो गया डी अल्फा, ये आपका सूत्र बनेगा डी बी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमको इसको और सॉल्व करना है तो यहाँ पर जो गणितीय सूत्र हम देखते हैं उस सूत्र को हमको यहाँ पे लगाना होगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये इसका फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में बहुत थोड़ा सा इसका और डेरिवेशन बचा हुआ है तो हम यहाँ मान लेते हैं हम जानते हैं ये बात आप लोगों को पता है
कि जो cos थीटा है, आपने सूत्र पढ़ा है cos a plus b is equal to cos a b minus sin a sin b, इस सूत्र को हम यहाँ पर लगाएंगे तो हम जो दो कोण है वो एक अल्फा है और दूसरा जो है वो डी अल्फा, तो cos अल्फा प्लस डी अल्फा इज इक्वल टू होगा cos अल्फा फिर cos डी अल्फा माइनस sin अल्फा और sin डी अल्फा। ये जो है ये सूत्र है, ये सूत्र जो है 11वीं क्लास में आपने गणितीय अवधारणाओं में पढ़ा हुआ सूत्र है आपका। इस सूत्र को हमने यहाँ पे रखा और हम यहाँ पर ये लेकर मान रहे हैं कि चूंकि इसी के आगे हम चलेंगे, आप इसके साथ में देखते चलिए, तो यहाँ पर देखिए चूंकि कोण डी अल्फा जो है ये बहुत छोटा है, अत्यंत छोटा है, ये आपको लिखना होगा यहाँ पे, अत्यंत छोटा है, तो इस स्थिति में यहाँ पे cos d अल्फा, तो cos d अल्फा बहुत छोटा, जीरो के बराबर हम मान रहे हैं, इसलिए इसका जो मान होगा वो एक के बराबर होगा, और जो sin d अल्फा है इसका जो मान होगा ये बराबर होगा d अल्फा के। और अब जो ये इस कंडीशन में जब हम देख रहे हैं कि d अल्फा के कम होने के कारण cos थीटा और sin थीटा के ये जो मान है, इन मानों को अब हम समीकरण में वापस से रखेंगे इसमें, ठीक है। तो अब इस समीकरण में आप मान रखें तो आपके पास में होगा ये बराबर होगा cos अल्फा हो जाएगा और cos d अल्फा तो 1 हो गया है तो ये हट जाएगा, ठीक है, और माइनस यहाँ पे बचेगा sin अल्फा, और फिर ये जो sin d अल्फा है ये भी छोटा होकर के केवल बचा है आपके पास में d अल्फा। तो इन दोनों मानों को इस समीकरण में हमने यहाँ पे रख दिया है। अब हमको मान चाहिए, चूंकि हमारा जो सूत्र चल रहा है, अब आप देखें ये वाला sin अल्फा d अल्फा के मान को निकालने के लिए हम ये वाली जो क्रिया है यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये देखिए, ये है आपका sin अल्फा d अल्फा, इसको हम इधर कर लेंगे तो एक और प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा sin अल्फा d अल्फा इज इक्वल टू, और ये जो है इसको हम इस तरफ और ये जाएगा तो माइनस cos अल्फा प्लस डी इस प्रकार से, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये मान भी आपको यहाँ पे मिल चुका है और इस मान की जगह पे हम इसको रख देंगे, और इसको रखने पर जो आपको फाइनल इक्वेशन है वो प्राप्त हो जाएगी डीबी के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर आपको जो इक्वेशन प्राप्त होगी यहाँ पे इस मान को आप यहाँ पे रख, तो ये आ जाएगा आपका db इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4π मल्टीप्लाइड बाय 2π इन i, और यहाँ आ जाएगा cos अल्फा प्लस d अल्फा इस तरीके से, ठीक है। ये आपका फाइनल इक्वेशन आ गया है जो अल्पांश डीबी के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने व्यंजक निकाल लिया। अब जैसा कि हमने यहाँ एक अल्पांश के कारण से निकाला है, अब पूरी के पूरा जो हमारी परिनालिका है, आप फिर से इस चित्र को देखें, देखिए ये हमने इतने से भाग के लिए निकाला, अब पूरी परिनालिका को हम इतने छोटे छोटे भागों में बटा हुआ मान सकते, ठीक है। सारी परिनालिका जो है उसको इस ए बी के डीएस 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 इस प्रकार से छोटे छोटे भागों में बटा हुआ हम इसको मान सकते हैं, और यहाँ पर यदि हम मान लेते हैं कि ये जितने भी अल्पांश अब हम ले रहे हैं और उनको पी से मिलाने वाली रेखा, यदि ये वाली जो ओपी अक्ष है इस अक्ष के साथ में अब जो कोण बनेंगे, मान लीजिए वो कोण बन रहे हैं अल्फा वन अल्फा, जैसे यहाँ देखिए ये देखो यहाँ पे ये बना अल्फा वन, फिर इसी प्रकार से अन्य भी होंगे, इधर धीरे धीरे इस तरफ बढ़ते जाएंगे तो अल्फा 2 हो जाएगा, फिर अल्फा 3 हो जाएगा, फिर अल्फा 4 हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पे
बनते जाएंगे और फाइनल जो है वो यहाँ तक आकर के इस प्रकार से बना। यहाँ पर जो चित्र में हमने दोनों पॉइंट्स, एक स्टार्टिंग का और यहाँ पे ये एंड पॉइंट को ले लिया है, और इन सब के कारण जो क्षेत्र की तीव्रता होगी वो एक एक पॉइंट करके यहाँ पर लिख दीजिए। एक के कारण इतना है तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सभी अल्पांशों के कारण जब हमने सभी अल्पांशों के कारण, ये इक्वेशन लंबा जरूर है लेकिन इतना कठिन भी नहीं है, आपको बस एक के बाद एक मान जो है इसमें रखते जाना है। तो सभी अल्पांशों के कारण बिंदु P पर बीच के जो पॉइंट्स हैं वो आप लिखेंगे, प्रत्येक अल्पांश के कारण जो कोण है अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री एंड सो ऑन। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसमें आप मान रखेंगे। इसी के आगे अब हम बढ़ रहे हैं, देखिए अब यहाँ पर जब हम इस मान को रखते जाएंगे तो यहाँ पर कुल हम निकाल रहे हैं, अब जो तीव्रता हो जाएगी वो रिप्रेजेंट होगी बी से, क्योंकि ये आप कुल निकालने लगे हैं और ये जो कुल है वो डीबी का क्या हो जाएगा, समेशन होगा। डीबी 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 जितने भी हैं उनको आपने प्लस कर दिया है तो ये डीबी समेशन आ जाएगा और ये हो गया आपका म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इंटू टू पाई एन आई। अब देखिए यहाँ ध्यान से, हमारे पास में जो अंदर कोण यहाँ पर दिया है कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस डी अल्फा, तो अब हम यहाँ पर पहला जो लेकर के चलेंगे वो है हमारे पास में कॉस अल्फा वन माइनस अगला हो जाएगा आपका कॉस अल्फा टू, ये कंप्लीट हुआ। अब दूसरा आप जोड़ेंगे तो वो आएगा कॉस अल्फा टू माइनस कॉस अल्फा थ्री, बढ़ रहा है आगे इस तरीके से, दो दो के गैप में आप इस प्रकार से इसको चलते जा रहे हैं आप, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पूरे लिखने की जरूरत नहीं, आप इसको इस प्रकार से डैश 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 करेंगे और जब देखें इसके बाद में आपने यहाँ डैश डैश कर दिया और जो लास्ट आपका होगा जो बिल्कुल आप इस तरफ आ जाएंगे इस कॉर्नर पे आ जाएगा आपका कॉस। देखिए आप अब इसको आप एक अगर ध्यान से देखें कि क्या संबंध है, तो ये एक छोटा है ये इससे एक अधिक है, ठीक है। तो यदि हम लास्ट को n माने तो ये होगा n माइनस वन, तो लास्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे cos अल्फा n माइनस वन माइनस cos अल्फा n, इस प्रकार से ये पूरा होगा यहाँ। और अब जब हम इसको खोलेंगे तो ध्यान दीजिए cos अल्फा वन बचेगा और cos अल्फा n बचेगा, बाकी सब एक दूसरे से ये माइनस है, ये प्लस ये कैंसिल होते चले जाएंगे, प्लस प्लस कॉस अल्फा टू माइनस कॉस अल्फा टू, इस प्रकार से सारे बीच के जो है वो कट जाएंगे, केवल पहला और आखिरी जो है वो आपके पास में बचेगा। तो अब जो आपके पास में इक्वेशन बचेगा ये है बीटा इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इंटू टू पाई एन आई, ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा वन माइनस कॉस अल्फा एन, इस प्रकार से। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, ये इसकी आपके पास में फाइनल इक्वेशन आ गई यहाँ पर, ये वाला जो है ये पूरा जो आपने परिनालिका लिया हुआ है इस परिनालिका के कारण से जो आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसको निकालने के लिए बच्चों हमारा टाइम भी होता जा रहा है, तो आप यहाँ पर जो दो मुख्य चीजें हैं, आपको जो प्रश्न पूछा जाता है इस पर दो कंडीशंस आपसे पूछी जाती है बच्चों, और ये जो दो कंडीशन है उसमें जो स्थिति पहली है, पहली विशेष स्थिति जो यहाँ पर पूछ रहे हैं वो है कि लंबाई क्या हो अनंत। अगर परिनालिका की लंबाई अनंत है, ठीक है, और बिंदु जो P है वो उसकी अक्ष के भीतर स्थित है, ये कंडीशन जरूर पूछी जाती है आपसे कभी भी, डेरिवेशन पूछने के बाद में आपको एक विशेष परिस्थितियां दी जाती हैं कि इस परिस्थिति में क्या होगा ये आपको बताना है। तो दो विशेष परिस्थितियां इसकी होती हैं,
और ये सिद्ध करने को आपको पूछा जाता है कि यदि परिनालिका की लंबाई अनंत हो और बिंदु P उसके अक्ष के भीतर स्थित हो तो इस स्थिति में क्या होगा। और इस स्थिति में आप देखिए कैसे होगा, देखिए अल्फा 1 इज इक्वल टू 0। आप देखिए जो चित्र है हमारा, जिससे आप यहाँ पर देखिए अल्फा 1 0 कैसे होगा, यहाँ पर ये लंबाई अनंत जा रही है तो ये नीचे आता जाएगा और जब बिल्कुल अनंत लंबाई से आप इसको यहाँ पर मिलाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, कोण आपका 0 बनेगा। तो और इस तरफ जब आप देखेंगे तो ये कोण इधर आता जाएगा, जब हम खींचेंगे तो ये इस तरफ आता जाएगा, ऐसा चलेगा ये, और ये नीचे आता है तो ये हो जाएगा आपका, जब पूरा बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 180, और इस तरफ जब हम चलेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये दोनों कोणों को हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा मान जो होगा वो बदलेगा। तो अब यहाँ पर आप देखें, अगर अनंत लंबाई हम यहाँ पे ले रहे हैं तो अल्फा 1 का मान तो 0 हो जाएगा और जो लास्ट हमने लिया हुआ है अल्फा n, इसका मान जो होगा पाई 180। ठीक है, और इन दोनों मानों को जब हम यहाँ पे रखेंगे तो b का मान आएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई, और यहाँ पर आपको आ जाएगा कॉस अल्फा 1 बराबर हो गया आपका 0 इस प्रकार से, माइनस कॉस 180 डिग्री। अब इनके आप मान रख दीजिए तो ये आ गया म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई और कॉस 1 माइनस 1 होता है तो ये हो गया माइनस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 2 इंटू 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो अब आप देखिए ध्यान से कि ये हो गया आपका 4 पाई, इसका मान कितना हो गया आपका 2, 2 इंटू 2 4, ये 4 पाई से ये 4 पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा और अब जो आपको फाइनल मिलेगा यहाँ पर अंदर हम ले रहे हैं 3 से रिप्रेजेंट कर देंगे 4 पाई से कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये आ जाएगा n। तो देखा आपने बच्चों कि जब हम बाहर से लेकर के चल रहे थे आपको बहुत बड़ा इक्वेशन दिखाई दे रहा था, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है इसका वो इतना छोटा सा है। तो b in is equal to, b in मतलब परिनालिका के भीतर जो आप देख रहे हैं वो म्यू 0 एन आई और इसका जो मात्रक होता है ये है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, ये इसका मात्रक। तो फर्स्ट कंडीशन जो है कि यदि परिनालिका अनंत हो और जो बिंदु आप ले रहे हैं वो उसके अक्ष पर भीतर ले रहे हैं तो b का मान जो है म्यू 0 एन आई होता है। और इसी के साथ में जो दूसरा एक आप लेंगे और दूसरा जो है यहाँ पर भी परिनालिका की जो लंबाई है वो तो अनंत है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही पॉइंट आपके, मैं जल्दी से आपको इसको बताती हूँ। परिनालिका की लंबाई यहाँ पर भी हमने अनंत ली है, और बिंदु P जो है इसके किनारे पर है, ये वाला पॉइंट जो है ना ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि अगर परिनालिका के किनारे पर अगर बिंदु है यहाँ पर तब क्या होगा। तो अगर बिंदु किनारे पर है, कौन सा बिंदु, P बिंदु अगर किनारे पर स्थित है तो क्या होगा। तो अगर P बिंदु किनारे के ऊपर स्थित है उस स्थिति में देखिए अनंत है तो अल्फा 1 तो 0 हो गया, ठीक है, और जब ये किनारे पर आ जाता है तब आप जब इसको मिलाएंगे तो जो आपका कोण बनेगा वो अल्फा एन जो कोण होगा वो होता है पाई अपॉन 2। तो जैसे आपने शुरू में देखा तो वहां पर कोण दो है 0 और 180, लेकिन जब किनारे पर चला गया तो जो कोण होंगे वो 0 और पाई अपॉन 2 मतलब 90 डिग्री होंगे। और ये मान जब आप यहाँ पर रखेंगे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम बी एंड, एंड का मतलब किनारा, किनारे के ऊपर जो आपको मिलेगा ये मान हो जाएगा आपका म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई एन। अब यहाँ अंदर आ जाएगा कॉस 0 माइनस कॉस पाई अपॉन 2 को हम 90 डिग्री लेंगे और इनके मानों को हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो अब जब हम इन मानों को यहाँ पर रख देंगे, आपने देखा कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होगा, तो इसका मान केवल ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब और कटने के बाद में ये 2 से 4 कटेगा तो नीचे यहाँ पर 2 बचेगा, पाई से पाई जो है वो कट जाता है, तो यहाँ पर जो फाइनली आपको मिलेगा जी एंड इज इक्वल टू मिलेगा 1 अपॉन 2 मिलेगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा म्यू 0 एंड पाई, और
जो इसका मात्रक होगा वो रहेगा न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। तो बच्चों ये जो दोनों मैंने आपको अभी बताया, एक फर्स्ट पॉइंट ये वाला और ये वाला जो सेकंड, ये दोनों ही स्थितियां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तक आप ये स्थितियां क्लियर नहीं करेंगे आपका ये कंप्लीट नहीं होता है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। कई बार पूछा जाता है कि ये सिद्ध करो कि परिनालिका के किनारे पर स्थित किसी बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके भीतर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की आधी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर कि भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ये है और आपने किनारे पर जो निकाला है वो एक सिंपल लैंग्वेज में पूछा जाए जैसा मैंने आपको बताया। तो आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि जो किनारे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की आधी होती है, या आप इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें धारावाही परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने को अब कहा जाए आपसे, उसका व्यंजक निकालने को कहा जाए, या आपको प्रूफ करने को कहा जाए कि ये इस प्रकार से आधी होती है, तो भी आपको यही चीज करनी है। तो मुझे लगता है मैं आपको इस डेरिवेशन को समझाने में कुछ हद तक सफल हुई होंगी, और अगर आपको कुछ समझना हो इसमें, कोई चीज आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। आप सबसे पहले तो आप इसको घर जाकर के बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको इस बीच में किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप पूछ सकते हैं। ये लंबा डेरिवेशन लेकिन बहुत अच्छा है, और आप इसको आज के आज में ही अगर 2-3 बार करके अपनी कॉपी में देख लेंगे तो आपको आसानी से ये आ जाएगा। ये देखने में बहुत कठिन लगता है, उतना कठिन है नहीं, आपको स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। बच्चों आप पूछना चाहते हैं कुछ इसमें? कल भी आपकी इसके आगे की क्लास होगी जिसमें हम लॉरेंस बल और शंट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आज के बारे में भी अगर आपको कुछ प्रश्न रह गए हो तो इसके आगे हम कल लॉरेंस बल को कंटिन्यू करेंगे। आज के इस पाठ को हम यही समाप्त करेंगे।